वेलकम बैक एवरीवान सो इस लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मोलिकुलैरिटी ठीक है मोलिकुलैरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये होता क्या है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ और रिएक्टिंग स्पीशीज़ कुछ भी हो सकता है जो रिएक्ट कर रही है दैट इज एटम्स भी रिएक्ट कर सकते हैं आपस में आयंस रिएक्ट कर सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं वो हुई रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो कि टेक पार्ट कर रही है मतलब पार्ट ले रही है एलिमेंट्री रिएक्शन में ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन में विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड द मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन देखो ये क्या बात बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं मोलिकुलैरिटी एक्शन में क्या होती है मोलिकुलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज की कितना नंबर में रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट कर रही है वो कहलाती है मोलिकुलैरिटी सपोज़ यहाँ पर टू ए प्लस थ्री बी गिवस टू सी है ठीक है मोलिकुलैरिटी क्या होगी मोलिकुलरिटी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोलिकुलैरिटी देखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा याद रखना एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही आप मोलिकुलैरिटी देखते हो और जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो कि पार्ट्स में होती है स्टेप्स में होती हैं उनके लिए आप मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं होती मोलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता देखो मोलिकुलैरिटी क्या कही गई है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक है रिएक्टिंग स्पीशीज यहाँ पे ए एंड पी है ठीक है यह ए एंड बी है रिएक्टिंग स्पीशीज अब कहा जा रहा है कि ये ए एंड बी या तो एटम्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं तो ए एंड बी रिएक्टिंग स्पीशीज है उनका नंबर कि कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है तो आप क्या करोगे तो आपने करना था यहाँ पर सपोज यहाँ पे वन लिखा है आपका तो आप क्या करोगे मोलिकुलैरिटी मोलिक्यूलैरिटी कितनी है आप कहोगे मोलिकुलैरिटी है इज इक्वल टू टू यहाँ से आ गया वन यहाँ से आ गया दो ए के हो गए और बी के कितने रिएक्ट कर रहे हैं वन कर रहे हैं मतलब टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री थ्री इज द मोलिकुलैरिटी तो एक और चीज़ ये होती है कि मोलिकुलैरिटी तभी आप देख सकते हो अगर ये गिवन है कि दिस रिएक्शन इज़ एन एलिमेंट्री रिएक्शन अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो लेक्चर था उसके बिल्कुल इसके ठीक पीछे वाला लेक्चर है जिसमें एक्सप्लेन करा गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि सिर्फ सिंगल स्टेप में होती है ठीक है जो कि सिर्फ सिंगल स्टेप में होती है या फिर आपको कभी भी लिखा है दिस रिएक्शन इज़ दिस रिएक्शन इज ऑफ द सिंगल स्टेप या फिर दिस रिएक्शन इन अ सिंगल स्टेप या फिर लिखा हो दिस रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन फिर भी हम कह सकते हैं कि येस इसकी मोलिकुलरिटी अब हमारी निकल सकती है तो मोलिकुलरिटी के लिए क्या करना होता है कि नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़ ठीक है नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो कि पार्ट ले रही है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में और वो क्या होनी चाहिए वो जो स्पीशीज़ है जैसे टू ए प्लस वन बी मतलब क्या बोला गया है दो मॉलिक्यूल ए के अगर ये मॉलिक्यूल है तो ठीक है दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ ए की हमने ए लिख लिया यहाँ पे ए एंड ए और एक हमारी बी की यही रिएक्ट कर रहा है कि दो ए के रिएक्ट कर रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है एक बी का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है अब क्या कहा गया है दिस दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके एक एक बात ये आपको याद रखनी पड़ेगी ठीक है एन की डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसे एज इट इज़ ही याद कर लो यहाँ तक हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद क्या बोलते हैं विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन वो क्या कहते हैं कि जो ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ है चलो हमने बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए और जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो मोलिकुलैरिटी होती है बट एक और चीज़ है उसके साथ साथ कि जो वो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है दे शुड कोलाइड दे शुड को लाइट Simultaneously, साइमल्टेनियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे शुड को लाइट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे एक ही जगह वो कोलाइट करने चाहिए ऐसे नहीं होगा कि पहले ये ए और बी रिएक्ट करेगा फिर उसके बाद ये रिएक्ट करेगा ये तीनों एक एक ही टाइम पे एक ही जगह ये रिएक्ट करने चाहिए साइमल्टेनियसली ठीक है मतलब कोलिजन देखो जो भी ये रिएक्शंस वगैरह होती है वो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी देता है इसे ठीक है जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या बताता है कि जो जो रियाक्शन होगी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है ठीक है वो कैसे होता है वो दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव कोलिजन ठीक है इफेक्टिव होना चाहिए कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट वो कोलिजन uh, थ्योरी क्या बताता है जो कोलाइडिंग स्पीशीज़ है उसकी प्रॉपर ऑरियंटेशन होनी चाहिए मतलब प्रॉपर वो किसी एंगल में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना चाहिए अब ऐसे तो नहीं है कि बस इतने सारे आपने रिएक्टेंट्स डाल दिए वो सारे कोलाइट कर जाएंगे नहीं कौन से इफेक्टिव कोलिजन हो गए कौन से कोलाइट साइमल्टेनियसली करेंगे वही जो प्रॉपर डिग्री पे हो गए जो प्रॉपर एंगल में हो गए एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर एंगल में हो गए सो दैट वो एक साथ आए और टकरा जाए ठीक है और दूसरी इनकी कोई प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए ठीक है ये क्राइटेरियाज होते हैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बस आपको ये समझना है कि जो ये रिएक्टिंग मोलिकुलरिटी में जो ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ बोल रहे हैं तो उसमें एक और कंडीशन ये लगाते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज़ तो हमें पता चल गई टू इसके है वन इसके है थ्री टोटल इसकी मोलिकुलरिटी आ रही है बट हमें यह भी देखना है कि क्या ये जो मोलिक्यूल्स जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है मतलब एक ही टाइम पर आई तीनों चीज़ें मतलब ये देख लो ये तीनों चीजें एक ही टाइम पे आई और इन्होंने कोलाइड करके रिएक्शन करवा दी क्योंकि साइमल्टेनियस कोलिजन होने की वजह से ही आगे, आगे आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है अगर ऐसी कंडीशन हो रही है रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो सबसे पहले देखो मोलिकुलरिटी में ये चीज़ है सबसे पहले होनी चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन ठीक है चेक एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए तभी आप मोलिकुलरिटी देखते हो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए जो कोलिजन है जो कोलिजन है आपके जो कोलिजन है वो आपके होने चाहिए साइमल्टेनियस ठीक है साइमल्टेनियस होने चाहिए वो कि मतलब एक बार आए और एक ही बार वो कोलाइड करके आगे रिएक्शन दे दे ठीक है ये चीज़ें होनी चाहिए तो उस केस में जो ये रिएक्टिंग स्पीशीज जितनी होगी उससे कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन ठीक है तो वैसे ही मैं बता देती हूँ अगर सपोज अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ है तो आप कहोगे कि ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा ये तो कोलाइड ही नहीं कर रहा तो एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ मतलब अगर एक आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ है तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप ये बोल सकते हो कि इस टाइप की रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि ये चीज़ें जो एक मॉलिक्यूल है वो टूट के कुछ और अदर मॉलिक्यूल दे देता है ठीक है तो इसे कहते हैं यूनी मोलिकुलर रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपको आ सकता है वट इज़ द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज है ठीक है उसी तरह से आगे हम करते हैं ठीक है थीके? देखो इफ़ ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज़ इन्वॉल्व इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है मोलिकुलरिटी के लिए कि आपकी जो रिएक्शन है वो आपको देनी चाहिए कि वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है नॉट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो क्या होता है जैसे आपको बताया गया है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है जैसे टू ए प्लस बी गिवस टू पी है ठीक है आपको बता दिया दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन ठीक है दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन इसका मतलब क्या है ये हो रही है सिंगल स्टेप में ठीक है सिंगल स्टेप में और मोलिकुलैरिटी क्या होती है मोलिकुलैरिटी सिंपली होती है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्ट कर रही है और साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है ठीक है तो यहाँ पर तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आपकी मोलिकुलरिटी निकल सकती है बट अबाउट द जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऐसे होता है सपोज टू ए प्लस थ्री ए प्लस टू बी गिव्स टू पी अब इसमें लिखा गया है कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये हो रही है पार्ट्स में ये हो रही है स्टेप्स में तो इसका मतलब जैसे मान लो स्टेप है यहाँ पे टू ए प्लस बी रिएक्ट करवाया यहाँ पे क्यू बना दिया फिर क्यू फर्दर आगे ए के साथ रिएक्ट करेगा फर्दर कुछ भी आपका सी बना देगा फिर सी आपका बी के साथ रिएक्ट करेगा इस तरह से ठीक है इस तरह से वन वन टू थ्री स्टेप फॉर एग्जाम्पल कि आपके ये थ्री स्टेप्स बने ठीक है अब मेन रिएक्शन तो आपकी ये थी बट इसके अगर मकैनिज्म देखते तो आपने देखा कि इसमें तो अंदर अंदर वही बहुत सारे मकैनिज़म के स्टेप्स आ रहे हैं फिर जाके आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ रही है तो अब बताओ कि इसमें मोलिकुलैरिटी का क्या कोई मीनिंग है या नहीं है मोलिकुलैरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो कि क्लाइट साइमल्टेनियसली कर रहे हैं जिनका साइमल्टेनियसली कोलिजन हो रहा है बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलैरिटी हैज़ नो मीनिंग मीनिंग क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें यही नहीं पता चलेगा कि कितने स्पीशीज कोलाइट कर रही है इफेक्टिवली क्योंकि ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है वो स्टेप्स में हो रही है और स्टेप्स में आप देखो स्टेप्स में तो आपके पास बहुत सारी चीजें आपस में कोलाइट कर रही है आपस में रिएक्ट कर रही है इसीलिए प्रॉपर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं मिलती है सो मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्री रिएक्शन पे आपके पास निकल सकती है मोलिकुलरिटी बट उसके लिए भी क्या कंडीशन है कि वो जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, दे शुड कोलाइड साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे वो कोलाइड करने चाहिए ठीक है तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इफ ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक है बारी बारी से देखते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ठीक है इस तरह से बायमोलिकुलर रिएक्शन इफ़ ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इन इन्वॉल्व इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है आपके पास और ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व है तो उसमें मोलिकुलरिटी क्या होती है और उसको कैसे समझना है हमने फॉर एग्जाम्पल इसमें एनसीआर में भी आपको गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ठीक है उसका डिकम्पोज होना मतलब उसका टूटना और वैसे भी जो एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ है सपोज पे जो ये है अमोनियम ियम नाइट्रेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन एच फोर एन ओ टू ठीक है एन एच फोर एन ओ टू अमोनियम नाइट्रेट हमने लिख लिया अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होगी ठीक है ये कैसे टूटेगा हमें ये देखना है अब ये कैसे टूटेगा कि इसमें टूट कर ये बनाता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ठीक है ये टूट के एंड टू एंड उसके बाद दो वाटर के मॉलिक्यूल निकाल देता है और ये गिवन है हमारे पास दिस शुड बी गिवन कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी तो हम मोलिकुलैरिटी निकाल पा रहे हैं इसकी ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका मतलब क्या हो गया इसमें अब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो येस हम मोलिकुलैरिटी फाइंड कर सकते हैं तो बताओ वट इज़ द मोलिकुलैरिटी अब हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर मोलिकुलैरिटी ठीक है मोलिकुलैरिटी क्या होगी तो मोलिकुलैरिटी डेफिनेशन में जाओ सबसे पहले तो मोलिकुलरिटी में आपने देखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है हमने देखा है ये एलिमेंट्री रिएक्शन दूसरी चीज़ कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं अब यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वन तो आप लिखोगे यहाँ पे वन है ये वन मोल है तो आप लिखोगे मोलिकुलैरिटी इज़ वन ठीक है मोलिकुलरिटी आपकी वन है और आपको देखनी है कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए तभी आपकी मोलिकुलैरिटी ठीक आएगी अब आप कुछ बोलोगे कि ये तो साइमल्टेनियसली कोलाइड करने के लिए इसके पास तो कोई और अदर रिएक्टिंग स्पीशीज़ ही नहीं है तो एक अकेला रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट कर सकता है ऐसी रिएक्शंस होती है और इन रिएक्शंस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है जैसे कोई रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो भी डिकम्पोज हो रहा है इस तरह के रिएक्शंस जिसमें कि रिएक्टिंग स्पीशीज़ एक ही है और एलिमेंट्री रिएक्शन है एलिमेंट्री स्टेप में है तो वो होती है उस केस में वन हो जाएगी और ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कहोगे ऐसे रिएक्शंस को आप कहोगे िकुलर रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज वन वन का मतलब यूनी यूनि मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ठीक है रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन जिसमें कि आपकी मोलिकुलैरिटी कितनी आती है वन और वो कौन सी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो कभी भी पूछे यूनि मोलिकुलर रिएक्शंस कौन सी होगी दोस्त रिएक्शन विच हैज़ द मोलिकुलरिटी वन फॉर द एलिमेंट्री फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन और आपको एग्जाम्पल याद करना है यूनिमोलिकुलर रिएएक्शन का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ठीक है इस तरह से अब आते हैं आपके यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपने देख ली अब आती है बाई मोलिकुलर रिएक्शन ठीक है बाय मोलिक्यूलर मॉलीक्यूलर रियाक्शन ठीक है रिएक्शन तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना बाय बायोमोलिकुलर रिएक्शन को पढ़ने से पहले इसका मतलब इसी के नाम से देख लो बाय मोलिकुलर कि इसका मतलब कि आपकी जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है टू है ठीक है तो इसमें एग्जांपल्स आप देखोगे एग्जांपल्स क्या देखोगे सबसे पहले एग्जांपल देखो बाय मोलिकुलर रिएक्शन के लिए और हमें देखना है कि ये बाय बायोमोलिकुलर कैसे आए और सबसे पहले बाय बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है जिसमें हम लिखते हैं यहाँ पे जिसमें कि साइमरटेनियस ठीक है सैमल्टेनियस कोलिजन ऑफ कोलिजन ठीक है कोलिजन ऑफ टू कोलिजन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्टिंग स्पीशीज की टू जो है दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उनके बीच का कोलिजन हो रहा है और उस उस रिएक्शन को कहते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन और साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीशीज़ हो रहा है इन किस में इन एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन होना ज़रूरी है तभी आप मोलिकुलरिटी की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका क्या है कि आपका टू टू एच आई टू एच आई ठीक है टू एच आई की डिकम्पोजिशन हो रही है वो भी रिएक्ट करके आपस में दो मॉलिक्यूल है एच आई के और उनके आपस में कोलिजन हो के वो टूट रहा है कोलिजन हो के टूट रहा है एच टू प्लस आई टू में ठीक है ये रिएक्शन हो रही है एंड इट इज़ गिवन कि ये आपकी है एलिमेंट्री रिएक्शन ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन है ये ओके okay? तो आपने देखा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि टू जो ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ है ठीक है टू रिएक्टिंग स्पीशीज है इसका मतलब ये कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे क्योंकि देखो अब जो ये जो ये दो आग, अगर एटम है आपके पास तो इनकी प्रॉबलिटी इनके चांसेस कि ये एक ही टाइम पे आए और एक ही टाइम पे कोलाइड करें उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है मतलब दो मॉलिक्यूल दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ के आपस में एक ही टाइम पे कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है ठीके? तो आए ये दोनों इन्होंने ये कोलाइड करा आपस में साइमल्टेनियसली कोलिजन हुआ इनका और उसके बाद इन्होंने ये ये रिएक्टेंट्स आपको ये ये प्रोडक्ट्स आपको दे दिए ठीक है तो हम इस केस पर कह सकते हैं हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल है तो मोलिकुलरिटी जो है ठीक है मोलिकुलैरिटी जो है फॉर दिस रिएक्शन इज़ इक्वल टू कितनी है टू क्योंकि कितने जो रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रही है वो है आपकी टू और यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन तो आपको गिवन ही था तो नाउ फॉर दिस आपकी मोलिकुलैरिटी इज टू इसीलिए ये जो रिएक्शन कहलाई दिस इज दिस इज़ दिस इज़ अ बायो मोलिकुलर रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूलर दिस इज अ बायो मॉलिक्यूलर रिएक्शन ठीक है बाई बायोमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ जिसकी मोलिकुलैरिटी टू है ठीक है जिसकी मोलिकुलैरिटी टू है दिस इज़ द बाई मोलिकुलर रिएक्शन इसीलिए हमने देखा ये बाई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और दूसरी चीज़ आपको करवाया गया था कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन का हम रेट इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पर लिख लेती हूँ वी कैन वी कैन फाइंड रेट लॉ रेट लॉ we can find rate law for elementary reaction elementary, elementary. रिएक्शन अगर गिवन है आपके पास कि दिस इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते अगर गिवन है दिस इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन तो आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो दैट इज रेट इज़ इक्वल टू के एंड जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है आपकी एच आई जैसे इस तरह से एच आई अब रेस टू दार आप टू करोगे तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी टू होगी और आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो ऑर्डर कितना आएगा आपका ऑर्डर क्या होता है जो आप इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के ऊपर जो ये कफ़िशंट्स होते हैं उसका सम पर यहाँ पे एक ही है तो आप यहाँ पे एक ही लिखोगे दैट इज़ ऑर्डर बेस का टू आ गया मोलिकुलैरिटी बेस की टू आ गई तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी के लिए और एलिमेंट्री रिएक्शन की ही आपको किसके लिए फॉर द रेट लॉ एंड फॉर द ऑर्डर ठीक है तो हमने बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी पढ़ ली कभी भी कभी भी अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वट इज़ द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन गिव एन एग्जाम्पल तो आपने ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट देना है और बायोमोलिकुलर रिएक्शन आ जाए तो उसमें आपने ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसका इस तरह से रिएक्शन दे देना है और बताना है कि मोलिकुलरिटी इसमें टू होता है इसीलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है अब बात करते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन ठीक है ट्राई मोलिक्युलर रिएक्शन मोलिक्युलर रिएक्शन ठीक है रिएक्शन या फिर इसको ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टर्मोलिक्युलर रिएक्शन टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन ठीक है टर्मोलिक्युलर रिएक्शन इन दोनों में से आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हो ठीक है अब ट्राई मोलिकुलर से ही पता चल रहा है आपको वो रिएक्शन जिसमें कि आपके क्या जिसमें कि साइमल्टेनियसली इसमें आप लिख सकते हो साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ कोलिजन ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज थ्री रिएक्टिंग रिएक्टिंग ठीक है थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज तीन रिएक्टिंग स्पीशीज़ है उसके उनके बीच में साइमल्टेनियस कलिजन होता है अगर ट्राई मोलिक्युलर या टर्म मोलिकुलर रिएक्शंस आप देखते हो तो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी याद कर लो समाइम्स आ जाता है जैसे कि टू एन ओ टू एन ओ की रिएक्शन आपकी होगी ओ टू के साथ और उसमें आपको मिलेगा टू मोलिक्यूल्स ऑफ एन ओ टू ठीक है और ये गिवन है दिस इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन की ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में हो रही है ओके okay? तो इसमें देख लो आप अब देखो यहाँ पे टू मोल्स है टू मॉलिक्यूल्स है एन NO के एंड वन मॉलिक्यूल है आपका ओ का तो टोटल इसमें थ्री मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं कोलाइड कर रहे हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पर देखो अगर हम थ्री मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना चाहे वन टू एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ठीक है ये क्या है ये एन NO का है ये भी एन NO का है और ये O2 के मॉलिक्यूल्स है अब मुझे बताओ अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमने बोला है कि मोलिकुलैरिटी के लिए जो मॉलिक्यूल्स है उसका साइमल्टेनियस कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये तीनों मॉलिक्यूल आए और एक ही बार में कोलाइड कर गए साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही बार में एक ही टाइम में साइमल्टेनियस कोलेजन हो होना इनका ठीक है अब जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जा रहे हैं जैसे पहले हमने एक मॉलिक्यूल से बात करी फिर हमने दो का कोलेजन बताया फिर अब हम तीन का कोलेजन बता रहे हैं तीन का कोलेजन साइमल्टेनियस होना चाहिए तो अब क्या है तीन का तीन का साइमल्टेनियस कोलेजन होने की प्रॉपर्टी अब थोड़ी कम हो रही है क्योंकि बहुत देखो प्रॉबलिटी थोड़ी कम है कि तीन मॉलिक्यूल्स अलग, अलग अलग जगह से आए ठीक है अलग अलग तरह के हैं अलग अलग तरह से आए और साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक ही जगह वो साथ में कोलाइड भी कर पाए तो ऐसे कोलेजन्स की प्रॉबलिटी अब हमारे पास क्या हुआ हमने देखा कि कम होने लग गई फिर भी हमने ये देखा फिर भी थ्री मोलिक्यूल्स तक तो फिर भी इफेक्टिव कलेजन्स देखे गए हैं तो इसी लिए हम पढ़ते हैं सिर्फ थ्री तक थ्री से ऊपर मोलिकुलैरिटी नहीं होती याद रखना यही रीजन है कि थ्री मोलिकुलैरिटी इज नॉट ग्रेटर देन थ्री थ्री से ऊपर मोलिकुलैरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि मोलिकुलैरिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ठीक है कोलाइट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन में पर हमने देखा जब तीन से हम आगे जाएंगे तीन तो फिर भी हमने देखा कि तीन की प्रोबेबिलिटी तो फिर भी है कि आपस में आए और तीनों आपस में मतलब ये तीन है अगर ये तीन आए और आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर गए ठीक है इन तीन की प्रोबेबिलिटी तो है साइमल्टेनियस कोलिजन करने की ठीक है एक ही टाइम पर एक ही बार कोलाइड करने की आपस में ठीक है बट अगर इससे ज़्यादा करोगे फोर मॉलिक्यूल्स करोगे तो वो साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होगा अब फोर की बात कर रहे हो तो चार स्पीशीज़ का बोल रहे हो आप मतलब कि चार आपके रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो आप कह रहे हो साइमल्टेनियस कोलिजन इसका कि वो आए चारों और एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे वो दोनों टकरा भी जाए वो चारों टकरा भी जाए पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि चार आपके पास चार रिएक्टिंग स्पीशीज़ ज़्यादा हो गई है और आपकी कंडीशन भी ये है कि साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए कि साथ ही साथ एक टाइम पे कोलेजन होना चाहिए तो थ्री से ऊपर ऐसे कुलेजन, कुलेजन होने की कम होती है इसीलिए आपका जो मोलिकुलरिटी है वो ग्रेटर देन थ्री नहीं होता है इसीलिए हम ट्राई मोलिकुलर या टर्म मोलिकुलर रिएक्शन तक ही पढ़ते हैं यूनि मोलिक्युलर बाई मोलिकुलर एंड ट्राई मोलिकुलर या टर्म मोलिकुलर ठीक है जिसमें कि थ्री रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो स्पीशीज है वो सेमिलटेनियसली कोलाइट कर रही है ओके तो यहाँ पे तीन जो है वो साइमल्टेनियसली कोलाइट कर रही है एलिमेंट्री रिएक्शन भी है और हमने देखा ये तीन यस yes, हमने पढ़ा है क्योंकि हमने अभी बता दिया है कि तीन तक हो सकती है मोलिकुलरिटी तो तीन रिएक्टिंग स्पीशीज है रिएक्ट करेगी सो फॉर दिस द मोलिकुलैरिटी मोलिकुलैरिटी मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी यहाँ पर थ्री हो जाएगी क्योंकि थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज़ है जो कि एक कोलाइड कर रही है और इस रिएक्शन को क्या कहेगी ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन ट्राई मोलिकुलर इसलिए क्योंकि थ्री इसकी मोलिकुलैरिटी है नाउ सिंस इट इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन ठीक है क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है अगर नहीं गिवन होता तो हम इसका रेट एक्सप्रेशन भी नहीं लिख पाते बट एलिमेंट्री रिएक्शन है गिवन हमें तो वी कैन ईजिली राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन विच इज़ रेट इज इक्वल टू के रेज टू द दार और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है जैसे यहाँ पर एन NO ओ है और यहाँ पर ओ टू है वो लिखते हैं हम और पहले यहाँ पर एक्स एंड वाई लिखते थे ठीक है है अभी भी ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर रहे हैं बट हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में आपको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो लिखना आ जाता है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो इसमें जो एक्स एंड वाई होते हैं वो इनकी स्ट्राइक्योमेट्री ही होती है तो NO का रेस्टू दीपार कितना है Two and oxygen टू एंड ऑक्सीजन का रेस्टू दीपार आपका वन है तो दैट मीन्स हम इससे ऑर्डर भी निकाल सकते हैं ऑर्डर कैसे निकलता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आपके रिएक्टिंग स्पीशीज के ये एक्सप्रेस है, उनको आप प्लस कर देते हो जितने भी है यहां पर टू प्लस वन है सिर्फ तो इसीलिए ये ऑर्डर बेस का कितना आ गया ऑर्डर बेस का थ्री आ गया ठीक है इस तरह से हम मोलिकुलरिटी में ट्राई मोलिकुलर तक ही रिएक्शंस को पढ़ते हैं नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज मोलिकुलैरिटी इज़ नॉट ग्रेटर देन थ्री मतलब ऐसे भी आ सकता है कि जो मोलिकुलैरिटी है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू थ्री रहेगी मतलब या मोलिकुलैरिटी एट मैक्स मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है थ्री हो सकती है थ्री से ज़्यादा मोलिकुलैरिटी अगर आ जाए कभी ऑप्शन में आ जाए कहीं आ जाए वो इनकरेक्ट है ठीक है थ्री से ज़्यादा नहीं हो सकती या तो थ्री होगी या फिर थ्री से कम ही होगी ऐसा क्यों होता है तो आंसर इज दैट द प्रॉबी दैट द प्रॉपटी दैट मोर दैन थ्री मोलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साममल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल ठीक है सो एट मैक्सिमम थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज कैन कोलाइड साममल्टेनियसली एंड इफेक्टिवलीट इज दैट इज़ वाई मोलिक्यूलैरिटी इज मोलिक्यूलैरिटी इज मोर दैन थ्री देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको मोलिकुलैरिटी का पता है मोलिकुलरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़ साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो कितनी भी हो सकती है पर हमें देखना है जो वो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड करे साइमल्टेनियस का मतलब कि एक ही टाइम पर कोलाइड करनी चाहिए ठीक है वो होती है मोलिकुलरिटी तो हम बोल रहे हैं जो मोलिकुलैरिटी है वो हमेशा कम रहेगी या फिर क्ल टू रहेगी थ्री के मतलब थ्री से ज्यादा मोलिकुलेटी नहीं हो सकती ठीक है थ्री से ज्यादा मोलिकुलैरिटी आपकी नहीं हो सकती ऐसा क्यों क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है सपोज फॉर फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन कि आपके पास अगर यहाँ पे थ्री है थ्री अगर आपके पास सपोज फोर है आप चाह रहे हो ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन है ये और उसके बाद आपने देखना है साइमल्टेनियस कोलिजन होता है या नहीं होता मोलिकुलरिटी के लिए अब क्या हो जाएगा ये चारों स्पीशीज है तो इनका साइमल्टेनियस कोलिजन होना मतलब एक ही टाइम पर वो बात होगी अगर मान लो ये चार रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वन टू थ्री एंड फोर मेरी ये फिंगर्स फोर रिएक्टिंग स्पीशीज़ है तो इनका सैमल्टेनियसली कोलाइड करना एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे इस तरह से आपस में टकराना इनकी प्रॉबर्टी बहुत ही कम हो जाती है ठीक है। तो इनके आपस में टकराने की प्रॉबर्टी कम हो जाती है इसीलिए हम मोलिकुलरिटी इसमें नहीं देख सकते क्योंकि मोलिकुलैरिटी में वही रिएक्टिंग स्पीशीज होती है जो आपस में कोलाइड साइमल्टेनियसली करती है तो हमने देखा जब हमने हम करते गए एक मॉलिक्यूल को देखा दो मॉलिक एक मॉलिक्यूल का तो बहुत ईजी है क्योंकि बेचारे के आपस में कोई कोलाइड करने की जरूरत नहीं है इसकी खुद ही इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो इसको यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं दो रिएक्टिंग स्पीशीज है आपस में कोलाइड करने की प्रॉबर्टी बहुत क्योंकि है कितनी दो ही है तो आएगी और को कर जाएगी ठीक है एक एक ये वाली है रिएक्टिंग स्पीशीज दूसरी ये वाली है ठीक है माइथामैन ये फिंगर अब क्या हो रही है बस इनको आपस आप में ही एक दूसरे की ही स्पीड या फिर जो भी है एक दूसरे की ओरिएंटेशन ही देखनी है भाई तू कहाँ से आ रहा है बस आपस आप में कोलाइड कर दो ठीक है तो अगर दो आपके दो कोलाइड कर रही है तो दो भी हो सकती है जैसे कहते हैं बाय मोलिकुलर रिएक्शंस ठीक है जिसमें कि दो जो मोलिकुलर स्पीशीज़ है वो इफेक्टिवली कोलाइड कर रही है इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन अब बात आती है जब थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज़ हो इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन तो उनके कोलाइड करने की प्रॉबर्टी भी ठीक होती है तभी इसे कहते हैं है ट्राई मोलिकुलर या टर्मोलिकुलर रिएक्शन बट इससे ज्यादा इससे ज्यादा हमने देखा इससे ज्यादा भाई नहीं हो पाएगा मतलब इससे ज्यादा साइमल्टेनियसली कोलिजन एक ही टाइम पे एक ही ऑरटेशन पे कोलिजन नहीं हो पाता क्योंकि चार मॉलिक्यूल है चारों की अलग अलग ऑरेंडेशन है अलग अलग तरह के एंगल्स पे है तो उनका इकट्ठा आना और एक ही टाइम पे उनका आपस में कोलाइड करने की प्रॉबर्टी इज़ वेरी लो सो फॉर द मॉलिकुलैरिटी वी विल टॉक अबाउट द मोलिकुलैरिटी टिल हेयर टिल द थ्री नंबर मतलब थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज़ के लिए इसीलिए इसका आंसर यह है कि प्रॉबर्टी द प्रॉबर्टी दैट मोर देन थ्री मतलब मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे वो भी साइमल्टेनियसली उसकी प्रॉबर्टी बहुत लो होती है सो मैक्सिमम एट मैक्सिमम ओनली थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो कोलाइड कर सकती है साइमल्टेनियसली और इफेक्टिवली दैट इज वाई मोलिकुलैरिटी इज इज मोर देन थ्री ये क्या लिखा है दैट इज वाई मोलिकुलैरिटी इज नॉट आएगा यहाँ पर नॉट मोर देन थ्री अगर कहीं भी थ्री से ज़्यादा मोलिकुलैरिटी आती है तो आप उसको कैंसिल कर दोगे ऐसा नहीं हो सकता सो फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास कि वट इज़ द मोलिकुलैरिटी फॉर दिस रिएक्शन ठीक है वैसे यहाँ पे गिवन नहीं है अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन होता फिर तो हम मॉलिकुलैरिटी देखते भी नहीं अगर सपोज यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है तो उसके लिए हम देखने लगे थे कि कितनी है मोलिकुलैरिटी तो आप यहाँ पर काउंट कर लो सिक्स प्लस थ्री प्लस न सिक्स कितना हुआ है यहाँ पर दिस इज द टेन अब मोलिकुलैरिटी यहाँ पे टेन um, आ रही थी बट हम कह सकते हैं कि मोलिकुलैरिटी मोलिक्युलरिटी ठीक है मोलिकुलैरिटी इस कैन नेवर बी इक्वल टू टेन टेन कैसे साइमल्टेनियसली आप बता दो टेन कैसे साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे टेन का मतलब हुआ जो मेरे ये सारे फिंगर्स एंड ये थम्स है वो आपस में कोलाइड करेंगे बिल्कुल ही साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन uh, में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी इक्वल टू टेन ठीक है सो so, या तो क्या हो सकती है या तो ये प्रॉबर्टी हो सकती है सो इट कैन बी सो दिस रिएक्शन कैन बी सो दिस रिएक्शन कैन बी कैन बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि ये जो रिएक्शन हो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो ठीक है तो क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन तो हो नहीं सकती ऐसे लग रहा है कि कैसे करेंगे बताओ टेन जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड कैसे करेंगे इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होगी जिसमें कि आपके मल्टी स्टेप्स होंगे तो बारी बारी से सब चीज़ें आपस में कोलाइड करेगी ठीक है तो इस तरह का आ गया तो इसमें मॉलिकुलैरिटी नॉट डिफाइंड तो इसमें मॉलिकुलैरिटी आप लिखोगे मॉलिकुलैरिटी ऐसे केसेस में क्या होती है नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड क्योंकि थ्री से आगे तो आप जा ही नहीं सकते और आपको रीज़न भी पता चल गया ठीक है नोट मोलिकुलैरिटी इज़ अब नोट देख लेना है थ्री इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं आपके इसको स्किप मत करना दी दीज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी इससे बन सकते हैं मोलिकुलेरिटी इज़

सो so, जो आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में है उसमें स्टेप्स होते हैं और स्टेप्स में हमें ये एक्जैक्टली exactly नहीं पता चल सकता है कि कौन सी एग्जैक्टली रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे रिएक्ट कर रही है इसीलिए मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है ये याद रखना है आपने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ये जो मोलिकुलैरिटी का फिनोमिना है वो एग्जिस्ट करता है मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो अब देखो ना जीरो हो सकती है मोलिकुलैरिटी ना नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है क्योंकि मोलिकुलैरिटी बेसिकली क्या होती है मोलिकुलैरिटी होती है रिएक्टिंग स्पीशीज़ तो रिएक्टिंग स्पीशीज ऐसे तो नहीं है जीरो का मतलब है कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी भाई अगर रिएक्टिंग स्पीशीज़ कोई है ही नहीं ठीक है तो ज़ीरो नहीं हो सकती मोलिकुलैरिटी या फिर नेगेटिव भी नहीं हो सकती अब कैसे हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ एक मॉलिक्यूल है एनओ NO का दूसरा मॉलिक्यूल है ओ का तो ऐसे तो हो नहीं सकता मैं ऐसे बोल दूँ कि नेगेटिव वन मॉलिक्यूल है एनो का नेगेटिव वन मॉलिक्यूल है ओटो का होगा तो एक ही मॉलिक्यूल या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा जीरो मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता ठीक है एक होगा दो होगा तीन होगा या फिर सो वन हो गए तो ना नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शनल हो सकता है फ्रैक्शनल का मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि एनो का जो मॉलिक्यूल लिया है भाई मैंने वो आधा लिया है ठीक है हाफ लिया है ऐसा भी नहीं हो सकता है तो जहाँ पर भी एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको हाफ अगर स्टाइक्यूमेट्री देखने को मिले तो उस पूरी रिएक्शन को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे सो so दैट आपके पास क्या आए एक इंटीजर आए एक होल नंबर आए पूरा ठीक है वो आप क्वेश्चन में भी देख लोगे पर आपको ये देखना है कि जो मॉलिकुलैरिटी है वो होती कैसी है मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव नंबर होगा पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा क्या होगा इंटीजर वैल्यू इंटीजर का मतलब है कि फ्रैक्शन नहीं होगा और पॉजिटिव होगा जैसे वन होगा टू होगा या थ्री होगा वैसे भी मोलिकुलरिटी पता है अप टू द थ्री होता है ओके एज रिएक्टिंग स्पीशीज कैन नॉट बी जीरो और हाफ हो ही नहीं सकती रिएक्टिंग स्पीशीज ज़ीरो या हाफ हाफ़ के केस में आप बोलोगे कि कई बार हमने स्टोक्यूमेट्री किसी रिएक्शंस में हाफ भी देखते हैं फ्रैक्शन भी देखते हैं बट जब मोलिकुलरिटी आप देख रहे हो तो ऐसी इक्वेशन को आप किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सो so दैट आपका वो फ्रैक्शन वहाँ से हट जाए एटलीस्ट रिएक्टन टर्म से आपका फ्रैक्शन हट जाए ठीक है तो आप इस तरह से ध्यान रखोगे फॉर फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवेन बाय द स्लो स्टेप जो आपको पहले भी बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है किस में होती है बहुत ही स्टेप्स में होती है उन स्टेप में से जो स्लो स्टेप होगा उससे आपका रेट भी डिटरमाइन होगा और आपका ऑर्डर भी उसी स्टेप से निकलेगा ठीक है एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल स्लोएस स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है अब आप सोचोगे हमने कहा करा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो मॉलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता फिर यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लो स्टेप में स्लो स्टेप की मोलिकुलैरिटी आपका क्या होगी उतनी ही होगी जितना ऑर्डर होगा देखो ध्यान से ये बात ध्यान में रखो कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सपोज हमने कहा कि मोलिकुलैरिटी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते ठीक है हम क्या कह रहे हैं जो ओवरऑल रिएक्शन है जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ओवरऑल उसके लिए हम मोलिकुलैरिटी नहीं निकाल सकते बट जो ये इंडिविजुअल स्टेप्स है ये क्या है ये तो इंडिविजुअल स्टेप्स है ये क्या है ये तो एलिमेंट्री स्टेप्स है मतलब ये इंडिविजुअल स्टेप्स है तो इनके लिए अपनी अपनी मोलिकुलैरिटी हम निकाल सकते हैं पर ओवर जो बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए मोलिकुलैरिटी हम नहीं निकाल सकते मोलिकुलरिटी हम किसके लिए निकाल सकते हैं जो इसमें ये एलिमेंट्री स्टेप्स है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है स्टेप्स होते हैं एक दो तीन स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में उसके उन स्टेप्स के लिए येस yes, हम मोलिकुलैरिटी निकाल सकते हैं और मोलिकुलरिटी क्या बोला जा रहा है जैसे ये आपको पता है अगर सपोज ये स्लो स्टेप है वन टू थ्री में से ये जो फर्स्ट स्टेप है वो आराम से हो रहा है तो हमने बोला था ये जो स्लो स्टेप होता है उस वो क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आर डी एस जो कि आगे भी हम पढ़ेंगे मतलब इससे हम रेट भी निकाल सकते हैं रेट निकल गया तो इसका मतलब हम इससे ऑर्डर भी निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लो स्टेप है मान लो ये है स्लो स्टेप ठीक है उसकी मोलिकुलैरिटी हम निकाल सकते हैं मोलिकुलरिटी कितनी होगी इसमें टू प्लस वन थ्री होगी तो बोला जा रहा है वो मोलिकुलैरिटी इक्वल होगी इसके ऑर्डर की अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इस इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकल सकता है क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है एलिमेंट्री है ये और ये कैसे निकल सकता है इसके लिए हम रेट लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू पार टू एंड बी रेस टू पार वन ठीक है टू यहाँ पे लिख लिया वन यहाँ पे लिख लिया तो ऑर्डर कितना आ गया इस, इसके लिए स्लोएस्ट स्टेप ले ऑर्डर इज थ्री तो मोलिकुलैरिटी भी इस स्टेप के लिए कितनी है कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं मोलिकुलैरिटी भी आ गई इज इक्वल टू थ्री तो बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसकी मोलिकुलैरिटी और उसका ऑर्डर सेम होता है ठीक है तो बाकी क्वेश्चन करोगे तब आपको क्लियर होगा ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स uh, रिएक्शन होता है उसके लिए मॉलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता अब जो ये स्टेप्स है स्टेप्स की इसलिए बात कर रहे हैं स्टेप सिंगल सिंगल स्टेप है इंडिविजुअल स्टेप्स है ये ठीक है थीके? तो बोला गया जो स्लो स्टेप है उसकी जब मोलिक निकालोगे क्योंकि कितने निकली मोलिकुलैरिटी क्योंकि ये सिंगल स्टेप है सिंगल बोल लो या फिर एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं इसमें जो ये सिंगल सिंगल स्टेप्स है ना ये एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं मतलब सिंगल स्टेप्स है तो इस स्लो जो स्लो जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप है अगर उसकी मोलिकुलैरिटी देखें वो कितनी आएगी वो उतनी आएगी जितना उसका ऑर्डर है क्योंकि ऑर्डर कैसे निकलता है इसमें स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उससे ऑर्डर निकल जाता है ठीक है अगर यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हुआ डोंट वरी डोंट पैनिक आगे हमने मैकेनिज्म वाले जो लेक्चर होगा पूरा इसको डिस्कस करना है सो थैंक यू सो मच डू लाइक एंड सब्सक्राइब होपफुली आपको समझ आया होगा अगर समझ आया है तो प्लीज कॉमेंट में मुझे बता दो कि आपको समझ आया है या नहीं आया है और अगर आपके कोई डाउट्स है रिगार्डिंग दिस मॉलिकुलैरिटी तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू सो मच